हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे रहना चाहिए, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मनोज। खाली मनोज ही लिखते हैं, आगे कुछ लगाते हैं? कुमार। कुमार, और उसके आगे कुछ? कुछ नहीं। तो मनोज जी, आप कहाँ से हैं? लेखराज से। कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग सीखने का? तीसरा डे। थर्ड डे है। तो अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड गियर। तो आज दोस्तों मैं इनको लेके आया हूँ थोड़ा सा बड़े रोड पे, जहाँ पे डिवाइडर रोड है और 4 लाइन 6 लाइन का रोड है और काफी बड़ी गाड़ियां चलती है। तो गोमती नगर वाले एरिया में मैं आऊँ, बहुत सारी गाड़ियां वहां निकलती हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। तो सिंगल राइट रखो, हल्का सा लॉन्ग हॉर्न पुश करो, क्योंकि वो निकाल रहे। बस हाँ, धीरे धीरे अपना लेफ्ट आ जाओ और लेफ्ट आओ बस। अब देखो, लेफ्ट में आपने जरा सा भी नहीं देखा, इतना ज्यादा क्लोज कर दिया कि अभी आप ऑटो में टकरा देते। जिस साइड हम गाड़ी दबाते हैं उस साइड देखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपने एक बार भी इधर देखा? मैंने कहा लेफ्ट आओ, लेकिन आपका क्या बनता था ड्राइविंग सीट से? ये जो मेरा रहा, ये ड्राइविंग सीट से एडजस्ट है, मेरी तरफ से नहीं एडजस्ट है, ड्राइवर की नजरों के हिसाब से ये एडजस्ट है। तो मुझे सीधा चलना, मुझे नहीं इसमें दिखेगा मेन रोड पे। अब सीधा जाना है यहाँ से, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हल्का लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ। हाँ, लेफ्ट टर्न कर लो तुम अपनी गाड़ी पूरी, टर्न कर लो अगले कट से ले जाओ, रेस करो हल्का। अब यहाँ पे निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं था, अगले कट से राइट ले लेना, राइट का सिग्नल दो। हाँ, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, बहुत स्लो चल रहे हो आप, बहुत ज्यादा स्लो चलना भी एक्सीडेंट के कारण होते हैं भाई, ठीक है? अब यहीं से राइट लेना, धीरे धीरे राइट लेके फिर मेन रोड पे ले लेना। राइट वाले मिरर को चेक करो, इसको हॉर्न दो ओला वाले को, स्लो करो। हाँ, लेफ्ट आओ थोड़ा। हाँ, चलो जाओ हॉर्न। हाँ, अब राइट टर्न करो फटाफट, गुड। अब लेफ्ट चलना है यहाँ से, सिग्नल दो लेफ्ट का, लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट। ये क्या किया यार आपने, ये क्या किया बताओ? कहाँ ले गए गाड़ी और कहाँ जाना था? ये रॉन्ग साइड थोड़ी तुम जा सकते हो, तो फिर वहां क्या करने लेके आ गए? करो इसको पहले गियर में, चलो हल्का सा पहले क्लच छोड़ो, ब्रेक नहीं, चढ़ाई पे गाड़ी है, पहले गाड़ी को अब ब्रेक छोड़ो, अब हल्का एक्सीलेटर लो। कभी भी चढ़ाई पे पहले ब्रेक रिलीज नहीं करते, वरना गाड़ी पीछे चली जाएगी। ये जो गलती आपने करी ऐसे, ये साइकिल थोड़ी है कि जहां मर्जी इसको नागिन डांस कर दिया। रोड पे ट्रैफिक चल रहा है और लोग भी चल रहे हैं, अभी स्पीड बढ़ाओ, धीरे से स्लो करो, निकलने दो इसको। हाँ, चलो जाओ, धीरे से खिसकाओ और अपनी लेफ्ट वाली लाइन में रखो, जितना लेफ्ट रखो और बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, गियर लीवर को मेरी तरफ पूरा सटा के तब पीछे की तरफ खींचा करो, तो सेकंड लगेगा, वरना फोर्थ लग जाएगा जिस तरीके से आप लगाते हो, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट है वो थर्ड और फोर्थ में जाता है, समझ गए? हाँ, तो आप उसको बीच में खींचने लगते हो, और लेफ्ट में ही रखना ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, समझ गए? जितना लेफ्ट दबा सकते हो दबा लो, ताकि कोई साइकिल वाला भी आपको ओवरटेक ना कर सके। और ये जो आपका शूज है ना, ये बहुत ऊपर खिसक जा रहा है, अंगूठे की बजाय आप तलवे से यूज करते हैं, ये पॉइंट होना चाहिए जो अभी आपने रखा है, ये पॉइंट होना चाहिए, और आपका पैर इससे 4 इंच ऊपर निकल जाता है, तो क्या होगा? दबाओगे क्लच पूरा, आपको लगेगा दब गया, पर एक्चुअल में दबा नहीं होता है। अब राइट वाले अपने ORBM को चेक करो, बीच बीच में नजर जानी चाहिए, ठीक है? राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ और पूरा क्लच दबाओ, बीचों बीच में थर्ड गियर डालो, मिड में ऊपर जाओ, गुड। सबसे आसान गियर कौन सा होता है? थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऊपर फोर्थ नीचे, मतलब अब ऊपर की तरफ ले जाओगे थर्ड, नीचे की तरफ लाओगे तो फोर्थ। राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा, हाँ, लेफ्ट वाला आपका रहेगा क्लच पे, राइट वाला पैर ब्रेक पे, बीच बीच में। अब यहाँ पे देखो डाउन हिल आ रही है, तो डाउन हिल में हमें क्या करना है? हल्का सा ब्रेक पे पैर लिया ना, ताकि गाड़ी भागे ना, आपके कंट्रोल में रहे, क्योंकि थर्ड गियर की जो स्पीड होती है मिनिमम 30 मैक्सिमम 40, तो अभी अगर आप एक्सेलेटर पे रखोगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी, जब ब्रेक पे रखोगे तो स्पीड धीरे धीरे गिरेगी। हल्का राइट रखो बस, वो देखो वहाँ से रॉन्ग साइड टर्न, राइट रखो थोड़ा और। हाँ, ये लोग यहाँ रॉन्ग साइड टर्न कर रहे हैं, चलने दो धीरे धीरे। हाँ, जाओ धीरे धीरे। हाँ, चलो अब अपना लेफ्ट ही लेफ्ट वाली लाइन में आ जाओ, क्योंकि यहाँ से वो टर्न करके रॉन्ग साइड गया, ये जो ऑटो वाला गया है, यहाँ से अलाउ नहीं है, वन वे है ये। अभी स्पीड बढ़ाओ जाओ। हाँ, चलने दो धीरे धीरे, गुड। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
मैं चाहता हूँ भाइयों कि आप लोग ऐसी गाड़ी सीखो कि जब 10-12 दिन 15 दिन बाद कोई गाड़ी पकड़ो तो वो ये ना कहे कि भाई उतर जाओ हमको गाड़ी दे दो, समझ रहे हो। इसलिए मैं यहाँ से क्लच ब्रेक नहीं यूज करता हूँ, मैं एक एक चीज बोल बोल के सिखाता हूँ, क्योंकि जब तक आप सारी चीजें ऑपरेट खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बाकी ड्राइविंग स्कूल वाले खुद करते हैं, नाम तुम्हारा काम हमारा, स्लो करो स्पीड कम करो, हाँ पहले से थोड़ा गाड़ी धीमी करना स्टार्ट कर दिया करो ताकि ज्यादा ब्रेक ना लगाना पड़े। हर गाड़ी से 10-20 मीटर 25 मीटर का मार्जिन लेके चलो। अभी देखो सामने रेड लाइट हो रखी पर 2 सेकंड बचे हैं, बढ़ा लो तब तक पहुंचोगे, ग्रीन हो गई, देखो हो गई, अब प्यार से निकाल लो, बस ब्रेक पे पैर रखो, अब एक्सीलेटर मत लेना जब तक अभी वहां पहुंचोगे, रास्ता क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा और स्लो करो, हाँ चलने दो धीरे धीरे, चलने दो धीरे धीरे, गुड गुड, रास्ता चलते रहो चलते रहो चलते रहो धीरे धीरे, हाँ बस इसी आइटन के पीछे लगाओ, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ बस धीरे धीरे। एक्चुअल में क्या है ना कि लोग थोड़ा लेफ्ट आओ लेफ्ट लेफ्ट, जाने दो लेफ्ट आओ हल्का सा, हाँ सीधी करो अब सीधी करो। अब देखो यहाँ पे इंजन गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है, मैंने क्या किया यहाँ पे हाफ क्लच लेके हल्का ब्रेक ले लिया, क्यों राइट रखो राइट, क्योंकि अभी मैं आप राइट रखो, मैं आपसे राइट राइट इसको कहते चचा मेरे हैं, राइट इसको कहते लेफ्ट इसको कहते हैं, याद रखो जब राइट बोलूं तो दाहिने की तरफ करो, जब लेफ्ट बोलूं तो बाएं की तरफ, आप इसी लाइन में रखना। अभी स्पीड बढ़ाओ क्योंकि अगर वहां मैं हाफ क्लच ब्रेक नहीं लेता तो इंजन आपकी गाड़ी का बुझ जाता, थोड़ी और स्पीड लो, हाँ देखो इस बाइक वाले को हॉर्न दे दो बस, अब राइट धीरे धीरे राइट वाली लाइन में ले लो, सिग्नल दो पहले राइट का, अरे भाई मेरे अभी समझाया तुम्हें, राइट इसको कहते हैं, अब राइट वाली लाइन में जाओ, हाँ जिसमें ऑटो चल रहा है, कंफ्यूजन करोगे तो पीछे से लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो गलत डायरेक्शन से, अब सिग्नल बंद कर दो, सीधा सीधा सिग्नल ऑटो कट नहीं होता, उसको बंद करना पड़ता है, ठीक है ध्यान रखना इस बात को, सीधा सीधा जो सिग्नल है वो बंद करना पड़ता है, अपने आप बंद नहीं होता, टर्निंग पे अपने आप बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा चला रहे हो आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब आपको लगे कि स्पीड ओवर हो रही, जैसे आप थर्ड गियर में चल रहे हो, थर्ड गियर की जो मैक्सिमम स्पीड होती है कितनी होती है 40, 30 की स्पीड में हम गियर डालेंगे तीसरा, 40 की स्पीड तक हम उसमें चल सकते हैं, 40 से ऊपर चलना तो फिर हम चौथा गियर डालेंगे, चौथे गियर में 40 से 60 चल सकते हैं, 60 से ऊपर चलना तो हम पांचवा गियर डालेंगे, ठीक है, और 30 से नीचे हमको आना तो हम दूसरा गियर डालेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी बारीकियां इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी देखो रेड लाइट हो रखी, जब तक पहुंचोगे ग्रीन हो जाएगी, क्लच ब्रेक पे पैर रखो, हाँ बस धीरे धीरे चलते रहो धीरे धीरे, हाँ ब्रेक को फ्री करो, हाँ चलो चलो हो गई ग्रीन, चलो अब ब्रेक पैर रखे रहना ब्रेक पे, धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे 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 धीरे, गुड गुड गुड, क्लच ब्रेक पे पैर रखे रहना तब तक रास्ता, बस अब ब्रेक छोड़ो, रास्ता क्लियर हो गया, ठीक है चलो चलो बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, गुड इसी लाइन में रखना, लाइन मत चेंज करना, हल्का राइट रखो बस, अभी गोल चक्कर पूरा घुमा के फिर बंदे वाले रोड पे चलना जिधर से आए थे हम लोग, पता है ना रास्ता, नहीं मालूम, चलो लेफ्ट का इंडिकेटर दो ऊपर को, ऊपर को, हाँ अब धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ आना आराम से, ज्यादा घबराओ मत, यहाँ बहुत सारी गाड़ियां चल रही है ना, तो डरना नहीं है, चलते रहो, हल्का सा रेस लो, थर्ड गियर में हो धीरे धीरे, हाँ धीरे 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 धीरे, असली कॉन्फिडेंस यहीं आएगा क्योंकि यहाँ गाड़ियां घूम रही हैं, है ना, सीधा सीधा चलाना, एक इधर उधर दाएं से बाएं से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चलो अब राइट का इंडिकेटर दो नीचे को, हाँ जाओ बढ़ाओ, हाँ चलते रहो धीरे धीरे, हाँ अब राइट रखो धीरे धीरे और राइट, क्योंकि हमें आगे से राइट टर्न करना है, हाँ ब्रेक को फ्री करो, चलो चलो हल्का रेस लो, अब ये गाड़ी थर्ड गियर में है लेकिन ये इंजन जो वाइब्रेट कर रहा है ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको स्पीड नहीं मिल पा रही है, तीसरे गियर की स्पीड होती है 30 की मिनिमम और ये चल रही है 20 के नीचे, अब लेफ्ट का इंडिकेटर दो ऊपर को, हाँ बस धीरे धीरे लाइन देखो कैसे क्रॉस में निकले हम, देखा पूरा चौराहा क्रॉस कर लिया, अब हल्की सी स्पीड बढ़ाओ जल्दी से, हाँ अब ब्रेक पे पैर लिया, सामने गाड़ी निकल रही है, बस छोड़ो ब्रेक,
चलो चलो हल्का सा रेस लो, क्योंकि ज्यादा ब्रेक लगाते गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि आप तीसरे गियर में हो। ठीक है, अब इसी वेन्यू के पीछे लगा लो मुस्कुराते हुए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अपनी लाइन में आ जाओ, जिसको जाना है वो चलता रहे, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आप अपनी लेफ्ट वाली लाइन में आ जाओ, बस स्टीयरिंग सही से पकड़ो 3 और 9 पे। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में। अपने लेफ्ट वाले शीशे को देखो जरा, इधर लेफ्ट वाले को क्या दिख रहा है, उसमें कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, खाली है ना, बस वही तो देखने के लिए बोला था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।